आज हम बनाने जा रहे हैं रिंग समोसा। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले ली है और अब हम इसको गूंथेंगे। एक कटोरी मैदा है और थोड़ी सी और ले लेते हैं, देखिए आधी कटोरी तक और ले ली है। अब हम इसको गूंथने के लिए इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, देखिए इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे समोसे। और साथ में नमक डाल देते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन भी हम टेस्ट करके डाल देते हैं। समोसे में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें हार्ड डो और सॉफ्ट डो मिला के थोड़ा सा अच्छा सा डो बनाना है। हार्ड भी नहीं बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, क्योंकि समोसे बनाएंगे इसलिए अच्छी तरीके से हमारा बेल जाए। ऐसा डो हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। इस तरीके से इसका डो लगाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट सा भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। इसको ये देखिए हमारा बन गया है। अब हम इसको रख देते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। अब देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देते हैं और अदरक भी डाल देते हैं। कद्दूकस किया हुआ अदरक है, इसको डाल देंगे। देखिए अभी हमारा अदरक और जीरा ये भून जाएगा तो ये इसमें और बाकी की चीज़ें डालेंगे। हम इसमें अभी हमारा जीरा थोड़ा सा और होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और बस ये हमारा आलू है, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब पाउडर थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं अब हम। और एक दो टेबल स्पून हम इसमें हल्दी धनिया पाउडर डाल देंगे, देखिए। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी इसमें डाल देंगे, जिससे हमारा इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इनको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आलू के साथ बना रहे हैं इसको। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको खाना है उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी रेडी हुई है। और इसमें अब हम हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए अब इसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये स्टफिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब हम इसको इसके समोसे बनाएंगे। देखिए तब तक हम अपना आटा चेक मैदा चेक कर लेते हैं कि कैसी हुई है। ये देखिए इसको और थोड़ा सा लेते हैं इस तरीके से। हमारी मैदा देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ के इसको बेलेंगे। ये देखिए मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिए और इसका घोल बना लिया है। इसको अब हम चलिए इसको बेलते हैं।
देखिए इस तरीके से इसकी लोई काट ली है। अब हम इसको बेलेंगे, इस पे फर्श पर ही हम स्लैब पर ही बेल लेते हैं इसको, और इसको हमें चौकोर बेलना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा इधर से कट कर लेंगे तो ये हमारा चौकोर शेप में आ जाएगा। यहाँ से भी कॉर्नर से भी इस तरफ से भी कट कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा चौकोर बन गया है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग डाल देंगे थोड़ी सी इस तरीके से, और बस इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा राउंड हो गया है, राउंड हो गया है। और इस नाइफ की हेल्प से इसको भी हम इस तरीके से थोड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए सब मेरी कट हो गई है। अब बस इसको इसी तरीके से अब हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी रिंग रिंग इसमें आ गई है। ये देखिए इस तरीके से पूरी रिंग बन गई है हमारी। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी सेट हो जाएंगी। देखिए अब हम इसको घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप घुमा लीजिए इसको। इसमें ये जो खोल बनाया था इसको थोड़ा सा लगा लेंगे, ये लग जाएगा हमारा। तो इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, और ये हमारी थोड़ी सी हमने कॉर्नर्स निकले थे बस इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा उठा के इस तरीके से पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे अच्छी तरीके से, ये देखिए राउंड राउंड वन करके हमारी बन जाएगी। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सभी रिंग बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। इसको भी देखिए हम चौकोर शेप में इसको शेप दे देंगे। ये सब साइड में कर देते हैं और इसको भी कर लेंगे। बस इसको इस तरीके से बना के और इसमें भी फिलिंग बना लेंगे। देखिए थोड़ी सी इसमें फिलिंग भर देते हैं। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, कम या ज़्यादा जो भी हो आप अपना बना सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से फिर मेरा ये हो गया रेडी। अब हम इसको भी नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा देते हैं, फिर इस उसी की हेल्प से इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। ये देखिए फिर से हमारी रिंग रिंग बनने लगी है। बस इसको अच्छे तरीके से टाइट टाइट बंद करेंगे। देखिए हमारी रिंग वाला समोसा दूसरा भी रेडी हो गया है। इसके कॉर्नर्स में ये जो हमने इसका घोल रेडी किया था इसको भी लगा देंगे थोड़ा सा, और बस इस तरीके से इसको जोड़ देंगे तो हमारे रिंग समोसे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये एक पट्टी निकली हुई है, इसको हम इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे तो ये भी हमारी बंद हो जाएगी और आराम से हमारा रिंग समोसा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से सभी रेडी कर लीजिएगा। देखिए दूसरा भी बनके हमारा तैयार हो गया है, गर्म हो गया। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। इसको सभी रिंग हम लोग डाल देंगे इसमें, इसको थोड़ा सा हो जाने देंगे तभी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारा हो गया एक तरफ से, और अब हमने इसको पलट दिया है। और इसको हम पहले स्लो गैस स्लो में सेकेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेज करेंगे, क्योंकि स्लो करेंगे तो ये हमारे क्रिस्पी बनेंगे।
ज्यादा स्लो भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मीडियम में इसको हम सेकेंगे। अच्छे गोल्डन गोल्डन ब्राउन बन के तैयार हुए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हाँ। दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये भी हमारा अच्छे से बन गया है। और तब तक हम और भी अपने तैयार कर लेंगे रिंग समोसे। ये देखिए, अब हमारे रिंग समोसे बनके रेडी हो गए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। देखने में ये बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं।